हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉल्वर ऑफ चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने गोडैडी का जो डोमेन है, सपोज कि आपने गोडैडी का डोमेन 2-3 खरीद के रखा है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, तो किस तरह से कैंसिल करा सकते हैं और आप पूरा का पूरा पैसा रिफंड किस तरह से ले सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊँगा। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। सिंपली आपको चले जाना है गोडैडी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। आपको फिर चले जाना है यहाँ पे सिंपली रिन्यू और बिलिंग्स में। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जो भी आपको डोमेन नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि कोई भी आप डोमेन खरीदते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको अगर नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना रहता है, तभी जाके आपको पैसा रिफंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने क्लाइंट के लिए डोमेन खरीद लेते हैं और बाद में क्लाइंट बोलता है कि ये वाला डोमेन हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ और डोमेन चाहिए, या फिर हमको ये डोमेन चाहिए ही नहीं, तो हमको कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि हमारे यूज का वो डोमेन नहीं रहता। जो भी हम डोमेन खरीदते हैं वो कस्टमर के बेस पे खरीदते हैं, इसलिए वो डोमेन हमारे किसी भी यूज का नहीं रहता है, तो हमको बेसिकली डिलीट करके उसको रिफंड लेना रहता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, आपके क्लाइंट से कन्फर्म करना है विद इन 24 आवर्स जो भी नाम दिया है उस नाम का बाय करने के बाद फिर से एक बार कन्फर्म कर ले कस्टमर का यही डोमेन चाहिए। एक बार फाइनल होने के बाद आपको तभी जाके ही आगे बढ़ना है। अगर 24 आवर्स ये निकल गए तो आप डोमेन को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने 2 डोमेन को बाय किया था, उसके बाद मैंने रिफंड किया, वो मैं आपको स्टेटस भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में। ये देखिए यहाँ पे देखिए रिफंड आ गया। ठीक है, ये इजीली हो जाता है यहाँ पे, सिंपली जब भी आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है। आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इतने ही नहीं रुकना है, इसके बाद भी थोड़ा सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है, आपको गोडैडी के कस्टमर केयर सर्विस में कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो आपसे पिन वेरिफिकेशन मांगेंगे और कस्टमर आईडी मांगेंगे। तो आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट उसके आपका ये डोमेन का जो पैसा है रिफंड नहीं होगा और कैंसिल भी नहीं होगा। आपने यहाँ से भले ही प्रोसीज कर दिया है, उसके आगे प्रोसीजर नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपके अकाउंट में जब भी आप कॉल करते हैं उनको, तो जब भी वेरिफिकेशन पिन मांगते हैं तो यहाँ पे आपको पिन दिख रहा है। देखिए पिन, जैसे आप व्यू करेंगे यहाँ पे पिन दिख जाएगा, उस पिन को उनको बताना रहता है और ये आपका जो भी कस्टमर आईडी है इस कस्टमर आईडी को उनको शेयर करना पड़ेगा। कस्टमर आईडी और पिन मिलते ही ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो गोडैडी का ही आपका ही अकाउंट है जो आप डिलीट करवाना चाहते हैं, तभी जाके आपका गोडैडी में जो आपने डोमेन परचेस किया है वो परमानेंटली डिलीट होगा और आपको आपका पैसा रिफंड मिलेगा। और मेक श्योर गाइस, ये विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए, नहीं तो ये आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे वेब डिजाइन से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।